सो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकी और आज की जो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी हटके वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो ना तो कोई गेम प्ले की होने वाली है और ना ही कोई मोड और एडोन की होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जो कि सेम टू सेम माइनक्राफ्ट की कॉपी है और आप लोग उनको खेल के जो माइनक्राफ्ट की कमी है वो दूर कर सकते हो। अब आप लोगों को पता है, अगर आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाते हो माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करने के लिए तो आप लोगों को 650 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ता है, या फिर आप लोग कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हो जिससे आप लोगों की जो सिक्योरिटी वगैरह मोबाइल वगैरह वो रिस्क पे आ जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी गेम मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे के सारे गेम माइनक्राफ्ट से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तो हमारे चैनल की जो रीच बढ़ जाएगी। तो यार लाइक जरूर कर देना और अच्छा सा कमेंट कर सकते हो तो कमेंट भी कर देना, वरना लाइक तो जरूर से जरूर कर ही देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। अब इस गेम के अंदर जो ग्राफिक वगैरह है वो तो आप लोगों को इतने खास वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन जो कंट्रोलर है वो काफ़ी हद तक आप लोगों को माइनक्राफ्ट के जैसे ही देखने के लिए मिलेंगे। मॉब्स वगैरह भी इसके अंदर माइनक्राफ्ट के जैसे ही देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों को जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी माइनक्राफ्ट के जैसे ही देखने के लिए मिलेंगे। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो टेक्सचर वगैरह है वो थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, क्योंकि अगर सेम टू सेम हो जाएगा तो यार कॉपीराइट का फिर प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग ये वाला गेम खेलते हो तो आप लोगों को 80% तक माइनक्राफ्ट का ही फील आने वाला है। सेकंड नंबर पे जो अपना गेम है वो है लोकी क्राफ्ट। लोकी का मतलब ये वाली लोकी नहीं गाइज, ये वाला लोकी क्राफ्ट आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला गेम। ये वाला जो गेम है ये फ्री है एकदम से प्ले स्टोर के ऊपर, आप लोग इसको खेल सकते हो। यूनिटी ने इसको बनाया तो थोड़े बहुत ऐड आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं गेम के अंदर, तो आप लोगों को गेम प्ले के साथ साथ में ऐड वगैरह का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐड वगैरह कैसे होते हैं, तो आप लोग ये वाला गेम खेल सकते हो। काफ़ी अच्छा गेम है ये, बस थोड़ा सा जो टेक्सचर वगैरह है वो थोड़ा सा कार्टूनिस्ट मतलब प्लास्टिक जैसा इसका टेक्सचर है, बट फिर भी आप लोग इसको खेल के काफ़ी ज़्यादा मजा कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो गेम आता है वो है मल्टीक्राफ्ट। अब मल्टीक्राफ्ट जो गेम है वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक जो माइनक्राफ्ट है वैसा का वैसा देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आप लोग सर्वाइवल और क्रिएटिव दोनों मोड खेल सकते हो, यहाँ पे आप लोग सर्वर वगैरह में भी खेल सकते हो, उसके साथ ही साथ आप लोग इसके अंदर जो मल्टीप्लेयर है वो भी खेल सकते हो। टेक्सचर वगैरह इसका थोड़ा बहुत माइनक्राफ्ट से अलग देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को, बट मॉब वगैरह काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को माइनक्राफ्ट के जैसे ही देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर वीदर आप लोगों को मिल जाता है, एंडर ड्रैगन आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोग इसके अंदर उनको स्पॉन करके मार भी सकते हो, सर्वाइवल में इनको मार भी सकते हो। तो इस वजह से जो ये वाला गेम है ये भी काफ़ी हद तक जो माइनक्राफ्ट है उसके जैसा ही देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। फोर्थ नंबर पर जो गेम आता है वो आता है रियलम क्राफ्ट। अब रियलम क्राफ्ट वाला जो गेम है ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ट्रेंडिंग में रहा है, लेकिन ये वाला गेम मैंने फोर्थ नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि यार इसके जो ग्राफिक वगैरह है ना मेरे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट फिर भी आप लोग इसके अंदर माइनक्राफ्ट की तरह ही मल्टीप्लेयर सर्वर वगैरह पे खेल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, आप लोगों को ये जो गेम है ट्राई करना चाहिए, क्या पता मेरे को पसंद नहीं आए आप लोगों को पसंद आ जाए। फिफ्थ नंबर पे जो गेम आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो है मिनी ब्लॉक क्राफ्ट। अब ये वाला जो गेम है ये भी सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसा ही है, बस इसके अंदर आप लोगों को जो स्ट्रक्चर वगैरह है जो टेक्सचर वगैरह है वो माइनक्राफ्ट से हटके देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े बहुत जो कंट्रोलर है वो भी एकदम माइनक्राफ्ट से हटके ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप लोग जब ये मिनी ब्लॉक क्राफ्ट वाला गेम जब खेलोगे तो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि आप लोगों को माइनक्राफ्ट का जो फील है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो गेम है आप लोगों को एकदम फ्रेश फीलिंग देने वाला है, क्योंकि ये जो गेम है एकदम हटके टाइप के है। तो ये जो गेम मैंने आप लोगों को बताया गाइस ये है मेरी लिस्ट के अंदर टॉप 5 गेम जो कि एकदम माइनक्राफ्ट की कॉपी है। अगर आप लोगों को और भी गेम्स के बारे में पता है तो आप लोग मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।